ब्रॉट टू यू बाय खाता बुक। इनका टुमारो हो ना हो, लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हा? कैसे भाई? खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इसी। उदास है पाकिस्तान, रो रहे हैं इमरान, क्योंकि अब अमेरिका उन्हें भाव नहीं देता। एक वक्त था जब पाकिस्तान अमेरिका का लाडला हुआ करता था। एक छोटे बच्चे की तरह अमेरिका पाकिस्तान को गोद में बिठाता था, उसका भरण पोषण करता था, जरूरत पड़ने पर खर्चा पानी भी दिया करता था। लेकिन अब सब कुछ बंद है। अब अमेरिका ने पाकिस्तान को चीन की चाटुकारिता करने के चक्कर में दरकिनार कर दिया है। अब अमेरिका ने पूरी तरह से खुद को चीन की बढ़ती ताकत को रोकने में झोंक दिया है, और इसी वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को छोड़कर भारत को खासी तवज्जो देनी शुरू कर दी है, और इसलिए इमरान खान लगातार रोए जा रहे हैं। बहुत परेशान है इमरान खान ये सोच सोच कर कि अब अमेरिका ने उन्हें किनारे कर भारत के साथ खड़ा रहना पसंद किया। इसी बात को लेकर इमरान खान ने एक जर्मन मैगजीन को दिए इंटरव्यू में अमेरिका से पाकिस्तान को भारत के बराबर तवज्जो देने की मांग की है। खैर, ये तो एक सपना ही है। एक जर्मन मैगजीन डर स्पीगल को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इंटरव्यू दे रहे थे, और इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने कहा कि हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका से उम्मीद करते हैं, वहां चाहे कोई भी राष्ट्रपति बने, उसे बिना किसी भेदभाव के हमारे साथ समान व्यवहार करना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, अमेरिका को लगता है कि भारत चीन को रोक पाएगा, जो कि पूरी तरह से एक भ्रम है। इमरान खान ने कहा है कि भारत अपने पड़ोसी देशों चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका और हमारे लिए खुद एक खतरा है। इस इंटरव्यू के दौरान इमरान खान के एक जवाब ने उनकी सेना के कठपुतली होने की बात पर मुहर लगा दी। जैसा कि इन दिनों देखा गया है कि पाकिस्तान में सेना के रवैये पर आम लोगों ने नाराजगी जताई और अपना गुस्सा जाहिर किया है, तो अब इमरान खान सेना पर उठने वाली उन आवाजों को दबाना चाहते हैं, और ऐसा उन्होंने इंटरव्यू के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार सेना की आलोचना को प्रतिबंधित करने के लिए एक नया कानून लाने जा रही है, यानी कि अब पाकिस्तान में सेना की कार्यशैली पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। एक तरफ जहां इमरान खान चीख चीख कर दुनिया को बताते हैं कि पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी है, तो दूसरी तरफ सेना पर उठने वाले सवालों को दबाने के लिए नया कानून लाना किस नीति का हिस्सा है? खैर, उस इमरान खान से क्या ही उम्मीद की जाए जो गद्दी पर ही सेना के तलवे चाट कर बैठा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।